All right, let's quickly move on. A bit of a controversy coming in for former Home Minister and veteran Congress leader Sushil Kumar Shinde. While speaking at the launch of his book, Five Decades in Politics in Mumbai, Shinde admitted that he was scared of walking around the Dal Lake when the UPA was in power. Remember, you had Sushil Kumar Shinde, who was the Home Minister between 2012 and 2014. The BJP understandably attacking him. विजय भाई जब मैं होम मिनिस्टर था उसके पहले मैं उनके पास जाता था और एडवाइस भी मांगता था, तो उन्होंने मुझे एक ऐसा असली एडवाइस किया कि सुशील बोले तू इधर उधर मत भटक, तू लाल चौक में जाके वहां भाषण कर, कुछ लोगों से मिल और दल लेख में घूमते चलो ऐसा। और वो एडवाइस से मुझे बहुत कुछ पब्लिसिटी मिली और लोगों में एक ऐसा होम मिनिस्टर है कि जो बिना डर के वो जाता है, लेकिन मेरी वो किसको बताऊं। इसका तो वही जवाब दे सकते हैं कि वाकई सच्चा डर था या झूठा था, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि मुश्किल हालात थे। 95 से लेकर 96 तक बहुत बुरी हालत थी कश्मीर में, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैं कहता हूं कि मेरे जो साथी हैं, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो साथी हैं, अनगिनत साथी हैं जिन्होंने कुर्बानी दी। पहला टारगेट वहां मोहम्मद यूसुफ हलवाई हुआ, हमारा ब्लॉक प्रेसिडेंट। उसके बाद एक लाइन लग गई नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को जिन्होंने कुर्बानी दी, मगर फिर भी वो खड़े रहे, आज भी खड़े हैं। कुर्बानी दे के ही हम खड़े हैं। उसके बावजूद बीजेपी वाले हमको कहते हैं आप हिंदुस्तानी हैं कि नहीं है। सुशील कुमार शिंदे जी इज अ वेरी सीनियर लीडर एंड हिज कमेंट्स एज अ फॉर्मर होम मिनिस्टर एंड अ कांग्रेस लीडर आर वेरी रिवीलिंग। दे कंफर्म दैट द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर अंडर द कांग्रेस पार्टी वाज टेरिबल। द होम मिनिस्टर वाज पेट्रिफाइड टू गो देयर, दैट्स हिज ओन स्टेटमेंट। इट कंफर्म्स दैट द पॉलिसी टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर अंडर द कांग्रेस स्टार्टिंग फ्रॉम पंडित जवाहरलाल नेहरू राइट अप टू हिज टाइम एंड बियॉन्ड वाज अ फेलियर। That's why the situation was so bad. Additionally, it also shows the lack of concern of the Congress government. It required a third party to tell him ki aap Lal Chowk jaiye. And while he acknowledges he got publicity, the intent was never to solve the problem just in the manner in which Prime Minister Modi's government has been doing, which is why it led to the abrogation of Article 370.